हे दोस्तों, क्या आपको इंटरनेट पे स्क्रॉल करते रहने की आदत है, जिससे आप अपना सबसे महंगा एसेट, आपका टाइम बहुत सारा वेस्ट कर देते हो और इस हैबिट से आप परेशान हो? अगर हाँ, तो आपके इस प्रॉब्लम का नो बीएस बेस्ट सोल्यूशन आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएगा। बस उसके लिए आपको एक चीज करनी है, नहीं कोई लाखों रुपए का कोर्स नहीं खरीदना है, बस आपको एक सिंपल सा चैलेंज लेना है। अभी मैं आपको एक सिंपल सी स्टोरी बताऊंगा, जिसमें एक एक करके 10 लेसन्स रिवील होंगे। आपको क्या करना है कि 10 के 10 लेसन को अच्छे से सुनना है और समझना है। हाँ, इसमें भी आपका टाइम जाएगा, बट ट्रस्ट मी, ये कुछ जो आधे घंटे से भी कम मिनट्स जो आप इन्वेस्ट करने वाले हो इस वीडियो को देखने में, वो आपको हंड्रेड्स इवन थाउजेंड्स ऑफ आवर्स बचाने में हेल्प कर सकता है। नाउ इतना कॉन्फिडेंस से मैं कैसे बोल रहा हूँ, बिकॉज इस वीडियो में जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप 10 लेसन्स बताने वाला हूँ, वो मैंने हंड्रेड्स ऑफ बुक्स के थाउजेंड्स ऑफ लेसन्स में से निकाल के 10 लेसन निकाले हैं, जो इस स्क्रोलिंग की हैबिट को, टाइम वेस्ट करने की हैबिट को खत्म करने में आपकी हेल्प करेगा। पर्सनली मुझे भी स्क्रोलिंग की बहुत आदत हो चुकी थी, जो भी ऑलमोस्ट मैं खत्म कर चुका हूँ, और जो बातें बताने वाला हूँ उन्होंने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी है ये चीज करने में। इसलिए बस अभी के लिए चैलेंज ले लो। नाउ ये चैलेंज सिंपल है सुनने में, बट फैक्ट ये है ना कि अराउंड 80% लोग वीडियो के एंड तक रुकेंगे नहीं। इनफैक्ट 30-40% लोग अच्छे से अच्छे वीडियो स्टार्ट होते ही उस वीडियो को कुछ टाइम बाद ही बंद कर देते हैं, और यही एक्चुअल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है कि लोग है ना आजकल अपने मंकी माइंड को शांत नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने आप को फोकस नहीं करा पा रहे हैं, जो सारे फसाद की जड़ है। इसलिए इस एक प्रॉब्लम से लड़ने के लिए चैलेंज लो। हाँ, इससे मेरा थोड़ा तो फायदा होगा, बट ट्रस्ट मी, इससे आपका और ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और ये चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा तो कमेंट करके बता भी देना कि हाँ, आई कंप्लीटेड दिस चैलेंज। नाउ लेट्स स्टार्ट। दो दोस्त होते हैं, एलेक्स और टेलर। दोनों को ही ना मोबाइल यूज करने का, इंटरनेट यूज करने का बहुत शौक होता है, जिसकी वजह से वो लोग हमेशा मोबाइल पे स्क्रॉल करते रहते हैं, अलग अलग कंटेंट देखते रहते हैं। ना ये चीज करने में उन्हें मजा तो आती है, बट ये दोनों ही कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से खुश नहीं होते हैं। जब वो लोग देखते हैं इंटरनेट पे ही कि कैसे बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट वो लोग इतना सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये दो दोस्त ना ऐसे होते हैं जो हमेशा साथ में मिलते भी है तो भी अपने मोबाइल पे स्क्रॉल कर रहे होते हैं, हमेशा एक दूसरे को रील्स और शॉर्ट्स सेंड कर रहे होते हैं। ऐसी लाइफ चल रही होती है। बट फिर एक दिन एलेक्स एक वीडियो देखता है, एक बुक समरी वीडियो, जो उसको थोड़ा हिला के रख देता है। जो देखने के बाद डिसाइड करता है कि हाँ यार, वो अपनी लाइफ बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहा है, जो उसे नहीं करनी चाहिए। वो टेलर को भी सजेस्ट करता है कि यार, हमें ना अब कंटेंट कंज्यूम कम करना चाहिए, बल्कि क्रिएट ज्यादा करना चाहिए। ये चीज सुनने में टेलर को अच्छी लगती है, बट अगेन वो बहुत ज्यादा एडिक्टेड रहता है मोबाइल से, इसीलिए वो कुछ इतना कर नहीं पाता। बट एलेक्स धीरे धीरे अपने आप को टेलर से अलग करने लग जाता है, वो उससे कम मिलने लग जाता है, और दोनों की दोस्ती आप बोल सकते हो कुछ टाइम के लिए कम हो जाती है। नो, एक साल बीत जाता है। एक साल बाद जब टेलर एलेक्स से मिलता है तो वो देखता है एलेक्स में बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं। उसकी हेल्थ पहले से बेटर होती है, वो पहले जहाँ कुछ पैसे नहीं कमाता था, अब वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स कमाने लगता है, और ऑल अराउंड उसकी लाइफ काफी अच्छी चल रही होती है। जो देख के टेलर उससे पूछते हैं कि एक साल पहले तक तो तू बिल्कुल मेरे जैसा था, बट अब तेरे अंदर ऐसे सडन चेंजेस कैसे आ गए? तो इस पे एलेक्स बोलता है, यार मैंने एक वीडियो देखा था जिसने एक्चुअल में मुझे रियलाइज कराया कि हाँ, मैं कितना ज्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। आप बोल सकते हो वो वीडियो मेरा टर्निंग पॉइंट था, जिसने एक्चुअल में मेरे स्क्रोलिंग के हैबिट से हटा के मुझे नए डायरेक्शन पे लेके आया। टेलर पूछता है कौन सा था वो वीडियो। एलेक्स बोलता है तुझे मैं बताऊंगा, बट पहले ये सारी बातें समझ कि देख, ये जो चेंजेस है वो सडन नहीं आया, बल्कि मैंने बहुत ज्यादा अपने ऊपर काम किया है, बहुत सारे मैंने लेसन सीखे हैं इस एक साल में, जिन्हें मैंने अप्लाई किए, तब जाके मुझे ये रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो टेलर बोलता है कि यार, आई एम योर फ्रेंड, मुझे भी बता कि कैसे मैं ये सारी चीजें खत्म कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा एडिक्शन है मोबाइल यूज करने का, मैं भी बहुत सारी चीजें सोचता हूँ बट कर नहीं पा रहा हूँ। तो इसके ऊपर एलेक्स बोलता है कि देख, पिछले सालों में ना मैंने कई सारी बुक्स पढ़ डाली है सेल्फ हेल्प की, कई सारी बुक्स की मैंने समरीज देखी, और उन सारी समरीज से मैंने कई सारे लेसन सीखे हैं, बट 10 लेसन जिसने एक्चुअल मेरी लाइफ पूरी बदल के रख दी, वो मैं तेरे साथ शेयर करना चाहता हूँ स्टेप बाय स्टेप, जो तू भी फॉलो करेगा तो तेरी भी ये स्क्रोलिंग की आदत हट जाएगी और तू भी अपनी लाइफ में लाइन में आ जाएगा। तो टेलर बोलता है ठीक है यार, बता एक एक करके ना। इसके ऊपर एलेक्स उसे अपना फर्स्ट लेसन बताना स्टार्ट करता है 10 लेसन में से। पहला स्टेप जो है टू प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन। एलेक्स टेलर से पूछता है कि तूने बीएफ स्किनर का, जो रैट के ऊपर करा गया था एक्सपेरिमेंट, उसके बारे में सुना है? टेलर बोलता है नहीं, क्या एक्सपेरिमेंट बता। वो बताता है कि ना कुछ एक्सपेरिमेंट करे गए थे माइस, चूहो और दूसरे एनिमल्स पे, जहां उन्हें कंट्रोल एनवायरमेंट में रखा गया था, जहां पे एक बटन या फिर लीवर उनको दी गई थी। अब यह एक्सपेरिमेंट में तीन वेरिएशन करे गए थे। पहले में एक जानवर कितना भी वो लीवर बटन दबाया, उसे खाना नहीं मिलता था, तो ऑब्वियसली कुछ बार ट्राई करने के बाद जानवर वो बटन नहीं दबाते थे। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या करा गया कि जब भी वो जानवर बटन दबाएगा तो उन्हें खाना मिल जाएगा, ये उन्होंने करा। अब ये चीज काफी पावरफुल थी, क्योंकि इसकी वजह से फिर एनिमल लोग वो बटन या लीवर दबाते थे, बट अगेन वो भी वो लोग टाइम टू टाइम ही दबाते थे, ज्यादा नहीं दबाते थे। जब उन्हें जरूरत होती थी, भूख लगती थी, वो लोग दबा के खा लेते थे।
बट थर्ड वेरिएशन में उन्होंने कॉन्सेप्ट का यूज किया जिसे बोलते हैं वेरिएबल रिवॉर्ड्स। अब क्या किया उन्होंने कि जब भी चूहा बटन दबाएगा तो कभी खाना आएगा कभी खाना नहीं आएगा, मतलब जो रिवॉर्ड्स थे वो वेरिएबल थे, कभी ज्यादा आएगा कभी कम आएगा। नो जैसे ही उन्होंने ये एक चेंज किया, सडनली उन्होंने देखा कि जानवरों में एक एडिक्शन पैदा होने लग गया बटन दबाने का। जहां जानवर बार 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 बटन दबाता था क्योंकि कभी खाना आता था कभी नहीं आता था, और इसकी वजह से वो लोग हुक हो जाते थे। और ये सेम चीज हुक्ड बुक में भी ऑथर बताते हैं। वो बोलते हैं कि अगर आपको एक ऐसा ऐप या प्रोडक्ट बनाना है जिससे आप बहुत पैसे कमा सको तो आपको एकदम एडिक्टिव बनाना पड़ेगा। अब ये इस एक्सपेरिमेंट को अगर मैं सिंपल वर्जन करके बताऊं तो समझो अगर एक फ्रिज है जिसमें आपको पता है क्या खाना है तो शायद उसे आप एक दो बार खोलोगे जब भी आपको उस चीज की जरूरत होगी। बट अगर मैं आपको बोलूं कि एक ऐसी फ्रिज है जिसे आप जितनी बार खोलोगे उतनी बार अलग अलग खाना वहां पे मिलेगा, कभी डेजर्ट आएगा कभी गुलाब जामुन आएगा कभी आइसक्रीम आएगा कभी ये आएगा कभी वो आएगा, तो क्या होगा इससे आप वो फ्रिज खोलने से एडिक्टेड हो जाओगे। और यही कॉन्सेप्ट है वेरिएबल रिवॉर्ड का। आजकल जो हम लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं, उस पर हमें बहुत सारे वेरिएबल रिवॉर्ड्स मिलते हैं। आप देखोगे कभी कोई पोस्ट होता है जो हमें अच्छा लगता है कभी कोई पोस्ट होता नहीं अच्छा लगता है, हमें नहीं पता होता कि जब अगली बार हम लोग अपनी उंगली हिलाएंगे नीचे से ऊपर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कितना ज्यादा रिवॉर्डिंग वो चीज होगी जिसके वजह से हम लोग उसके एडिक्शन में फंस जाते हैं। नो यही चीज समझने के बाद जो पहली चीज एलेक्स बोलता है मैंने की वो थी स्क्रोल करने के बजाय, उस चूहे की तरह बिहेव करने के बजाय मैंने सेल्फ डिसिप्लिन लाना स्टार्ट किया कि मैं वैसा नहीं करूंगा। और इसके लिए मैंने बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं लाया, मैंने सिर्फ ये डिसाइड किया कि सेल्फ डिसिप्लिन लाने के लिए मैं फालतू कंटेंट देखने के बजाय सिर्फ अपने काम के कंटेंट देखूंगा जो मुझे मेरे लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। और इससे रिलेटेड मैंने सेकंड लेसन अप्लाई करना स्टार्ट किया जो तुझे भी अप्लाई करना चाहिए। टेलर ने बोला क्या है सेकंड लेसन, वेल सेकंड लेसन है टू सेट क्लियर इंटेंशन एंड गोल्स। सेनेका का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है जो बोलता है कि नो विंड ब्लोज इन फेवर ऑफ अ शिप विदाउट डायरेक्शन। नाउ इसी कोट को अगर थोड़ा मॉडिफाई करके मैं आपको बोलूं तो आप कितनी भी अच्छी बड़ी जहाज बना लो कितनी भी पावरफुल जहाज बना लो लेकिन अगर उस जहाज के पास कंपास ही नहीं है, डायरेक्शन ही नहीं कि उसे जाना कहाँ है, तो कुछ टाइम बाद वो जहाज यहां वहां घूम के डूबी जाएगी। आजकल मैक्सिमम लोग की प्रॉब्लम ये होगी ना कि हम लोग अपनी लाइफ में ना स्ट्रांग गोल सेट करते ही नहीं है, और जब तक हम लोग अपने लिए स्ट्रांग गोल सेट नहीं करते तब तक हम उस शिप जैसे ही रहते हैं जिसका आज नहीं तो कल डूबना पक्का है। हम उस खुले सांड जैसे होते हैं जो यहां से वहां भाग रहा है जिसे कोई भी मैनिपुलेट कर देता है या फिर इधर उधर जाने पुश कर देता है। और ये चीज मेरे साथ भी हो रही थी, इसलिए जो सेकंड चीज मैंने करना स्टार्ट करी जो तुझे करना है डिसिप्लिन के साथ वो है टू सेट गोल्स। और गोल्स भी आपके ऐसे नहीं होने चाहिए, थिंक एंड ग्रो रिच में जैसा ऑथर बोलते हैं नेपोलियन हिल कि गोल जो होना चाहिए वो आपका बर्निंग डिजायर होना चाहिए, ऐसा डिजायर होना चाहिए ऐसा गोल होना चाहिए जिसके लिए तू बाकी सारी चीजों को त्याग दे। इसके बाद जो थर्ड चीज मैंने करी जिसने मेरी हेल्प करी वो थी प्रैक्टिस माइंडफुलनेस और डूइंग थिंग्स विद इंटेंशन। द पावर ऑफ नाउ बुक के ऑथर या फिर सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक के ऑथर, ये सब बुक बताती है कैसे कई बार प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कई बार अनकॉन्शियसली सोशल मीडिया यूज करते हैं विदाउट प्रॉपर इंटेंशन। हमें पता ही नहीं रहता कि हम लोग क्यों मोबाइल यूज कर रहे हैं, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब तक हमारे इंटेंशन क्लियर नहीं रहेंगे तब तक हम लोग आप बोल सकते हो उस खुले हुए सांड जैसे होते हैं जो कभी यहां भागेगा तो कभी वहां भागेगा, कभी इससे मैनिपुलेट होगा तो कभी उससे मैनिपुलेट होगा। इसलिए इंटेंशन सेट करना बहुत जरूरी है कि सोशल मीडिया क्यों यूज किया जा रहा है। जैसे मैंने भी इंटेंशन सेट किया कि मैं सोशल मीडिया का यूज तो करूंगा बट अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ना कि उसे अपने आप को खींचने के लिए पीछे। और अगर मुझे टाइम पास करने के लिए भी यूज करना रहता था तो मेरे पहले उससे इंटेंशन क्लियर होते थे कि हाँ मैं अभी आधा घंटा या एक घंटा इसलिए सोशल मीडिया यूज करने वाला हूँ या फिर ये मूवी देखने वाला हूँ, जिससे सोशल मीडिया मुझे कंट्रोल करने के बजाय थोड़ा बहुत मैं सोशल मीडिया को कंट्रोल करने लग गया। तो थर्ड चीज तुझे ये फॉलो करनी है, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस इंटेंशन। और इससे रिलेटेड डिटेल में सीखना है तो पावर ऑफ नाउ बुक है, सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक है जो तेरी काफी हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ चीज जिसने मुझे काफी ज्यादा हेल्प करी जो मैंने कई सारी बुक से पढ़ा है वो है टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स। टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स में वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक जो मैंने सीखी वो है पोमोदोरो टेक्निक। जब मुझे काम करना होता है, सीरियसली काम करना होता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक टाइमर सेट कर देता हूँ 25 मिनट्स का, जिसे पोमोदोरो टेक्निक भी बोलते हैं, जो फ्रांसिस्को सिरिलो ने ये टेक्निक को बनाया था, जहां पे आप क्या करते हो कि 25 मिनट तक विदाउट डिस्ट्रक्शन जो भी आपको काम करना है वो करते हो और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेते हो और फिर यही साइकिल को बार बार कंटिन्यू करते हो जितना आपकी कैपेसिटी है। ये एक सिंपल चीज ने भी मुझे टू बी ऑनेस्ट काफी ज्यादा हेल्प करी और तुझे भी ये चीज करनी चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन के साथ पोमोदोरो टेक्निक रोज अप्लाई करना स्टार्ट कर। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप लेना है वो है टू सेट बाउंड्रीज। अब पोमोदोरो टेक्निक भी तो अच्छे से अप्लाई कर सके उसके लिए तुझे कुछ बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कुछ ऐप्स और टूल्स का यूज करना स्टार्ट किया जो तू भी कर सकता है। एक ऐप है जैसे वन सेक ऐप,
जो क्या करता है ना कि हमारी जो अनकॉन्शियस हैबिट होती है मोबाइल को यूज करने की, उसके बीच में एक बाउंड्री खड़ी कर देता है, एक डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देता है। और यही चीज के बारे में एटॉमिक हैबिट के बारे में भी बताया गया है, पावर ऑफ हैबिट के बारे में बताया गया है कि जो भी आपकी बुरी आदतें हैं अगर उसके बीच में आप बाउंड्रीज डाल दोगे, फ्रिक्शन बढ़ा दोगे आपका और उस एक्टिविटी को करने का, तो चांसेस है कि हम लोग एक्टिविटी ना करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑथर ने जब नोटिस करा कि कैसे उनको ना हमेशा काम से आने के बाद टीवी देखने की आदत थी, तो उन्होंने क्या किया, अपने टीवी के रिमोट को बहुत दूर जाके रख दिया और अच्छे से बॉक्स में बांध के रख दिया। तो कई बार क्या होता था कि यार जब वो ऑफिस से आते थे और उनको लगता था कि यार इतनी मेहनत करनी पड़ेगी रिमोट लेने के लिए, इसलिए फिर वो टीवी देखते ही नहीं थे। ऐसी आप भी जब आपके और आपकी बुरी आदत जो है उसके बीच में फ्रिक्शंस और बाउंड्रीज डाल दोगे तो वो हैबिट करना मुश्किल हो जाएगा। मैं वन सेक ऐप यूज करता हूँ, गूगल एक्सटेंशन होते हैं जो कई बार क्या करते हैं कि आपके जो अनवांटेड होम पेज, यूट्यूब का होम पेज है उसको हाइड कर देता है, सजेशन में वीडियोस दिखते हैं उसको हाइड कर देता है। ऐसी तू भी खुद से देख कौन से टूल्स है, एक्सटेंशन है जो तेरे और तेरी जो एडिक्शन है मोबाइल स्क्रोल करने की उसके बीच में फ्रिक्शन ला सकता है। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट स्टेप तुझे करना है वो है क्रिएट अ डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट। ये कॉन्सेप्ट के बारे में डीप वर्क में काफी अच्छे से बात करी गई है। कार्ल न्यूपोर्ट जो ऑथर है वो बोलते हैं कि यार अगर हमें समझो फॉर एग्जांपल वेट लॉस करना है, लेकिन अगर हमारे आसपास सारे जंक फूड ही हमेशा रखे हुए रहेंगे, जैसे आइसक्रीम रखी हुई है, चॉकलेट्स रखी हुई है और खराब चीजें रखी हुई रहेगी, तो एक टाइम बाद तो हमारा विल पावर खराब होगा ही, जिसके जिस हम लोग उठा के वो चीज खा ही लेंगे। वैसे ही अगर हमारे पास हमेशा डिस्ट्रैक्शन के लिए कुछ ना कुछ चीजें पड़ी हुई है, हमारा मोबाइल अगर हमारे हाथ के पास ही है जब हम काम कर रहे हैं या फिर टीवी का रिमोट सामने ही है, ऐसी डिस्ट्रैक्शन भरी चीजें हमारे आसपास हमेशा रहेगी, तो कुछ टाइम बाद तो हम लोग गिव इन कर ही देंगे। इसलिए बेटर यह है कि इन चीजों को अपने से दूर रखो। अगेन ये जो पहले वाला जो मैंने पॉइंट बताया था बाउंड्रीज वाला, उससे रिलेटेड ही है, बट उसको और एनहांस कर देता है, उसमें और चार चांद लगा देता है कि उन चीजों को दूर ही रख दे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है, मुझे काम करना रहता है तो मैं अपने मोबाइल को चार्जिंग पर लगा देता हूँ, दूर साइलेंट पर रख के फोकस मोड ऑन करके। ऐसी कुछ तू भी कर सकता है। नाउ टेलर को ये सारी चीजें काफी प्रैक्टिकल लगती है, तो उसे बोलता है कि हाँ यार ऐसा चीजें मैं भी करना स्टार्ट करता हूँ। बट मेरा एक क्वेश्चन है, अभी ये सारी चीजें जो तू बता रहा है वो सारी चीजें मुझे एक साथ करनी है? एलेक्स बोलता है कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ये जो स्टेप बाय स्टेप तो मैं तुझे बता ही रहा हूँ चीजें, बट इसमें से अगर तू 5 स्टेप्स को भी फॉलो करने लग जाएगा ना, तो ट्रस्ट में तुझे बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। टेलर बोलता है हाँ, बिकॉज देख ये सारी बातें सुनने में अच्छी है बट प्रैक्टिकली शायद करने में मैं सारी चीजें कर ना पाऊँ। एलेक्स बोलता है जरूर, तू सारी चीजें नहीं कर पाएगा और मुझे भी ये सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करने में 1 साल गया है और अभी भी मैं सारी चीजों को 100% नहीं कर पाता हूँ, बट मुझे एक डायरेक्शन मिल गया और ये सारी चीज मुझे हेल्प कर रही है। तू भी ये चीज को याद रख और धीरे धीरे करना स्टार्ट कर। टेलर बोलता है हाँ ठीक है, बता फिर और बाकी बचे पॉइंट्स भी बता दे, ताकि उनमें से जो भी मुझे लगता है सबसे सिंपल है वो चीज मैं इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप मैं बताता हूँ तुझे। नेक्स्ट स्टेप जिसने मुझे हेल्प करी थी वो थी फाइंडिंग ऑल्टरनेट एक्टिविटीज। एलेक्स बोलता है कि यार सबसे एडिक्टिव चीज जो आज के टाइम पे हो गई है वो है शॉर्ट वीडियोस। वो इतने ज्यादा एडिक्टिव है, इतने ज्यादा कम सेकंड्स में हमें इतना ज्यादा डोपामिन दिया जा रहा है कि हम लोग उन चूहे जैसे बनते जा रहे हैं जो मैंने बीएफ स्किनर के एक्सपेरिमेंट में बताया था। तो उससे लड़ने के लिए जो मैंने सिंपल चीज करना स्टार्ट करी वो ये थी, मैंने नोटिस करा कि कैसे कुछ साल पहले तक जब मैं बड़े कॉन्टेंट दिखता था, लॉन्ग फॉर्मेट कॉन्टेंट दिखता था, तो मैं इतना डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहता था, मेरे अंदर इतनी बेचैनी नहीं रहती थी जितनी आज है। इसीलिए मैंने क्या किया कि कुछ नहीं तो एटलीस्ट मैंने ये सोचा कि अल्टरनेट में शॉर्ट्स देखने के बजाय मैं लॉन्ग फॉर्मेट कॉन्टेंट देखूंगा, शॉर्ट्स देखने के बजाय मैं बड़ी सीरीज देखना स्टार्ट करूंगा जिसमें टाइम ज्यादा लगता है। अब क्योंकि सीरीज में टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए कई बार होता क्या था कि जब मैं डिसाइड करता था कि यार शॉर्ट नहीं देखना है, मैं सीरीज देख सकता हूं, लेकिन सीरीज में मुझे 1 घंटा डालना पड़ेगा, तो कई बार ऐसा भी होता था कि मैं सोचता था कि नहीं यार 1 घंटा अभी नहीं डालूंगा, पहले थोड़ा काम कर लेता हूं फिर वो 1 घंटा देखूंगा। तो इससे भी मेरे अंदर एक पॉजिटिव हैबिट बनना स्टार्ट हुई। ऐसी तू भी कुछ अल्टरनेट एक्टिविटीज ढूंढना स्टार्ट कर। मैंने तो काफी सिंपल वाली चीज करी। कई सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि शॉर्ट्स देखने के बजाय आप रीडिंग कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, आप अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। बेसिकली वो जो आदत है जो सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट कर रही है हमारा, जो नेगेटिव फील करा रही है, उसके बजाय कुछ पॉजिटिव चीज करना स्टार्ट करें हम। टेलर बोलता है कि हाँ यार ये लॉन्ग फॉर्मेट वाला आइडिया जो तेरा है वो काफी इंटरेस्टिंग है, वो मैं भी ट्राई कर सकता हूँ, वो इजी भी है करने में। एलेक्स बोलते थे कि ये 7 चीजें मैंने तुझे बताई है जो तुझे करनी चाहिए, बट इसके साथ साथ 3 और स्टेप्स है जो बहुत ज्यादा जरूरी है तुझे समझना अगर तू एक्चुअल में चाहता है कि तेरी ये हैबिट खत्म हो। टेलर बोलता है हाँ भाई वो भी बता दे 3 चीज क्या है। स्टेप 8 जो है वो है रिफ्लेक्ट एंड एडजस्ट। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, मैंने नोटिस किया कि कई बार मैं भी वीडियोस देख लेता था, बुक पढ़ लेता था, बुक की समरीज देख लेता था, बट वो करने के कुछ टाइम बाद ही मैं वापस अपने ओल्ड हैबिट्स पे चले जाता था। तो ये चीज से लड़ने के लिए तुझे ये स्टेप जरूर फॉलो करना है जो है रिफ्लेक्ट एंड एडजस्ट। ये चीज के बारे में द आर्टिस्ट वे करके एक बुक है जो जूलिया कैमरॉन ने लिखी है, उसके अंदर भी बताया गया है, और भी कई सारी इंटरेस्टिंग बुक है जिसके अंदर बताया गया है कि कैसे हमारा रिफ्लेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग अभी तक क्या कर रहे हैं।
एलेक्स बोलता है कि तूने नोटिस किया कि जब भी नया साल आता है तो हमारे अंदर बहुत जोश होता है, हमें ना अगेन थोड़ा रिफ्लेक्ट करते हैं अपने कि पिछला साल कैसा गया, क्या हुआ, और उसके बाद हमें ना एक सेंस ऑफ डायरेक्शन मिलता है जिसके वजह से कई बार लोग जोश में आके फिर जिम ज्वाइन कर लेते हैं और सारी चीजें करते हैं। तो एक और सिंपल ट्रिक जो मैंने यूज करना स्टार्ट करी वो ये थी कि जहां हम लोग साल साल में एक बार रिफ्लेक्ट और एडजस्ट करते थे, वही मैंने महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार रिफ्लेक्ट और एडजस्ट को करना स्टार्ट कर दिया, जिसके वजह से भी अगेन जब भी मैं भटक जाता था कई बार तो ये रिफ्लेक्शन मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करता था कि मैं वापस से सही डायरेक्शन में आ जाऊं। और ये चीज करने में भी अगेन मुझे पॉजिटिव कंटेंट ने काफी ज्यादा हेल्प करी। जैसे मैं सीकेन का चैनल वीकली संडे को जो बुक समरी आती है वो देखता रहता हूं, तो उससे क्या होता है कि हर हफ्ते मेरे अंदर एक रिफ्लेक्शन आता है कि हाँ पिछले हफ्ते मैंने सही काम किया कि नहीं किया, और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ने का मुझे मौका मिलता है। ऐसे तू भी कुछ ना कुछ कर सकता है, जरूरी नहीं तुझे वो वीडियो ही देखना है, बट एक रिचुअल बना सकता है कि हर हफ्ते में कोई एक बार तो एटलीस्ट अपने साथ मीटिंग कर रहा है, अपने साथ बातें कर रहा है और अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे कांट हर्ट मी बुक में डेविड गॉगिंस भी करते हैं, अकाउंटेबिलिटी मिरर बोलते हैं वो, जहां वो मिरर के सामने जाके अपने आप से बात करते हैं, वैसे तू भी कुछ एक रिचुअल क्रिएट कर सकता है वीकली जो तुझे रिफ्लेक्ट और एडजस्ट करने में हेल्प करे। इसके साथ साथ 9th स्टेप भी जरूर फॉलो करना, वरना हर चीज बहुत बोरिंग लगेगी, वो है टू सेलिब्रेट प्रोग्रेस। अब देख प्रॉब्लम ये होती है ना कि कई बार जब हम लोग अच्छे काम करते हैं तो वो काम करके हम छोड़ देते हैं और फिर वापस से दूसरा अच्छा काम करने लग जाता है, जिसके वजह से वो काम हमें बहुत बोरिंग लगने लगता है। जबकि जो बुरे काम होते हैं ना वो जब भी हम लोग करते हैं तो उसके अंदर हम लोग अपने आप को बहुत ज्यादा रिवॉर्ड्स देते हैं, जबकि अच्छे काम करते वक्त रिवॉर्ड्स नहीं देते हैं। ये गलती हमें नहीं करना है, हमें अच्छे काम करने के बाद भी अपने आप को रिवॉर्ड्स देना है, हमें सेलिब्रेट करना है हमें प्रोग्रेस को। इस चीज के बारे में माइंडसेट बुक में भी बात करा गया है, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस बाय कैरल एस ड्वेक, 7 हैबिट्स पे भी बात करा गया है, तो प्रोग्रेस प्रिंसिपल में भी बात करा गया है, ऐसी कई सारी बुक्स में बात करा गया है कि जब हमें ना अच्छे काम करते हैं और उससे रिलेटेड रिवॉर्ड्स जोड़ देते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो ये चीज हमें उस अच्छे काम को करने में भी और मोटिवेशन देता है, इंसेंटिव देता है। और इसके साथ साथ लास्ट, ये सारी चीजें हम रेगुलरली कर सके उसके लिए जो चीज तुझे एक्सटर्नल पुश देगी जिसने मुझे बहुत हेल्प किया वो है स्टेप नंबर 10th, वो है टू सीक सपोर्ट। एलेक्स बोलता है टेलर को कि देख हम लोग सोशल क्रिएचर्स हैं, सबसे ज्यादा जो चीज हमें बिगाड़ सकती है या बना सकती है वो है हमारे साथीदार, हम जिनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम लोग ऐसे लोगों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं जो खुद मोटिवेटेड नहीं होते हैं, जो नेगेटिव होते हैं, जो अच्छा काम करने जाओ तो भी बुरा बोलते हैं आपको, और ऐसे लोग कई बार हमें आगे बढ़ने नहीं देते हैं, पीछे खींचते रहते हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम ऐसे कम्युनिटी का पार्ट बने, ऐसे लोगों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करें, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, जो पॉजिटिव हो, जो अच्छी अच्छी बातें सिखाते हो, अच्छी बातें खुद फॉलो करते हो और एक दूसरे को एनकरेज करते हो करने में। देख बाकी सारी चीजें हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं ये कई बार डिपेंड करेगा सिर्फ ये एक स्टेप पे कि हम कितने अच्छी कम्युनिटी का पार्ट है। जैसे कि मैं कई सारी ऐसी कम्युनिटीज का पार्ट हूँ, जैसे कि सीकेन कम्युनिटी का पार्ट हूँ जहां हम लोग बुक समरी सीखते रहते हैं वीकली, और कई बार बिजनेस कम्युनिटी का पार्ट हूँ, कंटेंट क्रिएट करने कम्युनिटी का पार्ट हूँ, ऐसे लोगों के साथ मैं ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ वर्चुअली, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, ऐसे मास्टरमाइंड्स का भी पार्ट हूँ जहाँ पे पॉजिटिव और इंस्पायरिंग लोग हैं जो मुझे सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं इन सारी चीजों को अप्लाई करने में भी और लाइफ में आगे बढ़ने में, तो वो चीज तो जरूर करना। हाँ यार ये बात तो तूने सही बोला, मैं अभी भी ऐसे दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ जो लोग टाइम पास करते हैं, जिसके वजह से मेरा भी बहुत ज्यादा टाइम पास हो जाता है। जबकि मैंने नोटिस करा तू ये सब लोगों से अलग हो चुका है, तू अच्छे अच्छे लोगों के साथ उठता बैठता है, इसके वजह से तुझे और इंस्पिरेशन मिलता रहता है। तू बता ना मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कौन सी कम्युनिटी का पार्ट बन सकता हूँ। वो बोलता है देख ऑब्वियसली सीकेन के बुक समरीज देख देख के मैंने अपनी लाइफ में काफी पॉजिटिव इंपैक्ट लाया है, तो तू वो कम्युनिटी का पार्ट बन सकता है। वहाँ पे एक फ्री कम्युनिटी भी है जिसके लिंक मैं तेरे साथ शेयर कर दूंगा, वो कम्युनिटी का पार्ट बन के रहे, और अलग अलग कम्युनिटी जो तुझे पसंद आती है। बस बेसलाइन ये है कि ऐसी पॉजिटिव कम्युनिटीज का पार्ट बनो जहाँ पे पॉजिटिव लोग हो जो खुद अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये सारी चीजें जो मैं तुझे बताई है लेसंस वो खुद फॉलो कर रहे हैं, ताकि तुझे भी वो सारे लेसन फॉलो करने में हेल्प मिले। तो ये सारी बात सुनने के बाद टेलर एलेक्स के साथ और उठना बैठना ज्यादा कर देता है, बिकॉज उसे पता था कि अगर मैं इसके साथ ज्यादा रहूंगा, ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगा, तो मैं खुद भी आगे बढ़ जाऊंगा। एंड गेस व्हाट, होता भी ही है। एक साल में ही एलेक्स और टेलर बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं, एक साल में ही टेलर में भी पॉजिटिव चेंजेस आने लग जाते हैं, और इसके बाद जहां वो लोग मिलके सिर्फ मोबाइल पे स्क्रॉल करते रहते टाइम, अब वो लोग मिलके बिजनेस प्लान बनाते होते हैं, वो लोग पैसे कमा रहे होते हैं, दुनिया घूम रहे होते हैं, जो चीज आपको भी करनी चाहिए, जो मेरे हिसाब से बहुत पावरफुल है। अब देखो दोस्तों, अगर आप लोग ने पूरा वीडियो यहां तक देख लिया है तो कांग्रेट्स, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था 70-80% लोग अभी तक टिके भी नहीं होंगे वीडियो पे, और ये एक सबसे बड़ी उनकी प्रॉब्लम है जिसके वजह से वो लोग स्क्रोलिंग ही करते रह जाएंगे जिंदगी में, कुछ और नहीं कर पाएंगे। बट आप यहां तक वीडियो देख पाए हो, कूडोस टू यू ऑल। मैं चाहूंगा आप लोग कमेंट करके जरूर लिखना कि आई कंप्लीटेड दिस चैलेंज, जैसे कि वीडियो में बताया, ये चीज को भी आपको सेलिब्रेट करना चाहिए, ये भी एक प्रोग्रेस है। आप चाहते थे कुछ सेकंड में ही, कुछ मिनट में ही वीडियो बंद कर सकते थे, बट नहीं, आप टिके रहे, भले से शायद आपको कुछ टाइम बोर भी हुआ, फिर भी आप टिके रहे। वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने मंकी माइंड को शांत करके फोकस कर पाना, यही वो चीज है, यही वो चैलेंज है जो आपको हमेशा लेना चाहिए, जो आपको एक्चुअल में स्क्रोलिंग के हैबिट खत्म करने में हेल्प करेगा। और हाँ एक और चीज,
जितनी भी बुक की मैंने बातें बताई है उसकी कई सारी बुक्स की मैंने समरीज भी बना के रखी है। अगर आप वो सारी बुक के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, इन बुक्स के लेसन आप सीख सकते हो। अब जैसे कि मैंने बताया था, एलेक्स को जो एक वीडियो जिसने बहुत ज्यादा हेल्प करी थी, उसका दिमाग खोल के रख दिया था कि यार ये सब बुलशिट है, स्क्रोलिंग वाली हैबिट खत्म करना ही है, वो एक्चुअल में बहुत पावरफुल वीडियो है, आप जरूर देखना। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दी है, वो भी जाके आप जरूर देखना ताकि आपके अंदर और मोटिवेशन आए, आप और प्रॉपर तरीके से डिसाइड कर पाओ कि हाँ अब आपको ऐसी लाइफ नहीं जीनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से बन सकते हो, या एटलीस्ट हर संडे जो हमारी बुक समरी आती है वो आप देखते रहो और अपने दोस्तों को भी इंस्पायर करो कि वो पॉजिटिव चेंजेस लाए अपने अंदर, ताकि आप दोनों टाइम साथ में स्पेंड करके आगे बढ़ सको एलेक्स और टेलर की तरह। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।